जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका जो तैयारी चल रहा था, आपको देखिए, आपको जिसका इंतजार था वो बहुत जल्द आ गई आपकी। दिसंबर लास्ट सप्ताह में, यानी कि दिसंबर दिसंबर से और दिसंबर के लास्ट सप्ताह या जनवरी में आपका आवेदन स्टार्ट होने वाला है यूपी पुलिस का। यूपी पुलिस की जो भर्तियां थी दोस्तों, आपकी जो मुस्कान लाने वाला चेहरे पर था दोस्तों, वो भर्ती आ गई है। देखो दोस्तों, आप कहते हैं ना कि जो भी चाहो वो क्या होता है, मन्नत से अगर चाह देते हैं तो सीटें मिल जाती हैं दोस्तों। और आपसे देखिए, मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों सभी से, कल को आसान बनाने के लिए आज कड़ी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। तो आपके साथ जो होने वाला है दोस्तों, जो वैकेंसी आने वाली है, आपको पहले से बताया गया था कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और आज ये वैकेंसी पद आ चुकी है। यूपी पुलिस की भर्ती जो है ये 62,624 पद आ चुका है दोस्तों, और उसमें कांस्टेबल पद के 52,699 पद है दोस्तों। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये देखो 52,699 पद, फिर जेल वार्डर का है 2,833 पद, फिर दरोगा पद, यानी कि दरोगा पद के लगभग 2,500 अर्थात 2,469 पद जो आए दोस्तों, दरोगा के पद आ चुके हैं। आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है दोस्तों उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की जो भर्ती होने वाली दोस्तों 62,624 पद का विवरण मैंने इस प्रकार बता दिया दोस्तों। देखिए, रेडियो ऑपरेटर का जो पद आने वाला है 2,430, और लिपिक संवर्ग के 545, और कंप्यूटर ऑपरेटर का 872, और कंप्यूटर प्रोग्रामर का 55 पद आए दोस्तों। और कुशल खिलाड़ी, यानी कुशल खिलाड़ी मतलब जो खिलाड़ी कोटे से होता है, यानी कि सब स्पोर्ट्स से जो होते हैं लोग, वो जो कुशल होते हैं, जिनके पास क्या होते हैं सर्टिफिकेट होते हैं दोस्तों, उनके लिए भी क्या है, खिलाड़ी कोटे से 521 पद इसमें आ चुका है दोस्तों। अब आपका जो समय है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं जब क्लास पढ़ाता था तो उसका रीजन क्या था दोस्तों। आप अपनी तैयारी को शुरू से ही मजबूत रखो दोस्तों। अगर शुरू से मजबूत नहीं रखोगे दोस्तों, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो 10 महीने में तैयारी कर रहा है और आप 1 महीने में तैयारी करके उसे कवर पाएंगे, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है दोस्तों। आप क्या करो दोस्तों, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। आपका वैकेंसी आने वाली है, देख रहे हैं कि आपका दैनिक जागरण की भी में भी आपका देख रहे हैं कि आ चुकी है वैकेंसी। अब कहा है उसमें कि दिसंबर के लास्ट सप्ताह या जनवरी के प्रथम सप्ताह में इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। और देखो, आपसे यही कहना चाहूंगा, आपकी जो मंजिल है, आपकी जो मंजिल है उसे पाने में चुके नहीं, अगर अब चुके तो फिर मौका मिलेगा दोस्तों। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी इतना जबरदस्त बनाइए, जब भी आए पद, जब भी आए तो उसे क्या करो, आप पूरी अच्छे तरीके से कर डालो। आप अगर नहीं करेंगे हम तो फिर बड़ी मुश्किल होती जाएगी दोस्तों। और आपका जो पद आया, देख रहे हैं पूरा विज्ञापन है आपके सामने, पूरा तरीके से आपका क्या है, एकदम कहा है साफ शब्दों में कि जो इसमें है भर्ती, वो दिसंबर और जनवरी के, दिसंबर के लास्ट और जनवरी के पहले सप्ताह में आवेदन होने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। और आपको बताया था, आपका जो क्लास में स्टार्ट कराया था, आपको क्लास उसी तरह कंटिन्यू होने वाली है पूर्ण। अभी जितना पढ़ाया गया था, आपको संविधान पढ़ा दिया गया था, अब आगे क्या होगी उसमें मैथ रीजनिंग के जो भी क्लास है डेली बाय डेली 19 दिसंबर से आपके पुनः चलने वाले हैं दोस्तों। यानी कि मैं ये आपको नोटिफिकेशन देना चाहता था दोस्तों कि जो 19 दिसंबर है, 19 दिसंबर 2023 से आपका पुनः जो बैच अभी थोड़ी दिन के लिए बंद था वो पुनः रिव्यू हो जाएगा, यानी कि तुरंत आपके स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी कि 19 दिसंबर 2023 से। और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए बिट्टू सर की क्लास से आप जुड़ जाइए दोस्तों, और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। मेरा वादा है आपसे दोस्तों कि आप अच्छा करके आओगे और सिलेक्शन लेके आओगे, आपकी कंटिन्यूटी बना के जाऊंगा मैं। यानी कि आप जानते हैं कि 4 सब्जेक्ट है, कितनी बार मैं आपको क्लास बना चुका हूं। और आप अपनी तैयारी को मजबूत रखो दोस्तों, और आपका देखो चेहरे की नुकसान जो है जो आ चुकी है दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई में लग जाओ, अब कोई बहाना नहीं। अगर अब बहाना किए फिर मौका मिलेगा नहीं दोस्तों। ऐसे ऐसे देखो पद आए हुए हैं आपके पास, जिसकी योग्यता है उसे पद। देखो सबसे पहले आपको बता दिया गया है कि इसमें
पहले एग्जाम पर फोकस करो, एग्जाम पर जब फोकस करोगे बीच बीच में जब एग्जाम, तो उसके बाद फिजिकल के लिए अपना समय दिया जाता है और जो यूपी पुलिस की जो दौड़ होती है उसमें आप पूरा कवर कर जाओगे दोस्तों। इसमें ये नहीं है कि नहीं कवर कर पाओगे, आप पूरा कवर कर जाओगे दोस्तों। देखो आप एक कहना चाहता हूं, अगर अपनी काम में सफलता लाना चाहते हो दोस्तों अपने मन पे एकाग्रता करो। अब जो है चीजें अब थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल करो। कंट्रोल करने का मतलब ये, कहने का मतलब ये है मेरा दोस्तों, कंट्रोल ये कि आप शादी ब्याह अटेंड करो लेकिन ज्यादातर समय वहां पर व्यतीत मत करो। अपने आप पर समय जितना से जितना समय आप व्यतीत कर सकते हैं आप करो दोस्तों, ये समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा। देख रहे हो कि यूपी में आपका जो वैकेंसियां हैं कितने कितने साल पर आ रही हैं, तो इसके अनुरूप अपने आप कितना मजबूत बनाकर रखो दोस्तों कि जैसे ही मौका मिले वैसे ही चौका मारने का मौका न छोड़ें। ठीक है दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन देने थी, और आप क्या करिए चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत करिए दोस्तों। आपका मैं तैयारी बहुत विधिवत ढंग से कराऊंगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और चैनल से जुड़कर, चैनल पर आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, जिससे आपको अगली वीडियो आपको मिलती रहे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।